हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका। किचन विल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक व्रत की रेसिपी जिसका नाम है सेब का हलवा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी मैं नवरात्र व्रत के लिए बना रही हूँ। इसके लिए मैं मीडियम साइज के 5 एप्पल लूँगी। ग्राम में इनका वेट है 750 ग्राम। आप ये हलवा एक बार जरूर ट्राई करना, ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। हमें सबसे पहले एप्पल को छीलना है। इस तरह सभी एप्पल को छील लेंगे। सभी एप्पल्स को छील लिया है। अब हमें इनको ग्रेट करना है। इनको ग्रेट हम मोटे साइड से करेंगे। इसमें कई तरह के छेद होते हैं। ये बारीक होता है, ये मोटा होता है, ये गोल वाला छेद होता है, तो हमें इस वाले छेद से ग्रेट करना है। ये अंदर बीज वाला पार्ट होता है, इसको हम हटा देंगे। सारे एप्पल ग्रेट हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने 6 बड़े चम्मच चीनी ली है। ग्राम में 100 ग्राम चीनी है। एक मीडियम साइज का नींबू लेना है। एप्पल ग्रेट होने के बाद हमें तुरंत इनको मिक्स करना है। इसमें के ऊपर लेमन जूस डाल देंगे। और जो चीनी है इसको भी डाल देंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एप्पल बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। इसका कलर एज इट इज रहे, इसलिए हमने लेमन और चीनी को डाला है। इससे इसका कलर सेम रहता है, चेंज नहीं होता है बिल्कुल भी। इसको हम साइड में रख देंगे। अब हमें गैस पर एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई रखनी है। 4 टेबल स्पून घी डालना है। घी को हल्का सा गर्म करना है। अब हमने जो एप्पल को ग्रेट किया था उसको इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम अभी लो कर लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर करीब 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। इसी तरह हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसको चलाते जाएंगे, जब भी हमें ज़रूरत लगे चलाने की। ठीक 10 मिनट हो गई है। आप देखिए, एप्पल का कलर भी चेंज हो गया है और ये एप्पल अच्छे से पक भी गया है। अब हम इसमें 200 ग्राम मावा डालेंगे। आप चाहे तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, मावा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं आप। अब हमें इसको लगातार चलाना है। वापस इसको 10 मिनट तक और पकाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है। इसमें मावा डल गया है, इसलिए अब हमें इसको लगातार चलाना है क्योंकि मावा कढ़ाई से चिपक जाएगा। अब मावा थोड़ा इसमें मिक्स हो गया है। 10 से 11 किशमिश डालेंगे। 2 चम्मच कटे हुए काजू, 2 छोटी चम्मच खरबूजे के बीज, मेलन सीड्स। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए 10 मिनट तक पकाना है। मुझे इसको सेकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। ये मावे के मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है, एप्पल के ऊपर डिपेंड करता है कि हलवा कितनी देर और पकाना है। आप देखिए, साइड से छोड़ने लग जाता है, हल्का सा घी दिखने लगता है। इसका मतलब ये पक गया है अच्छे से। अब हम इसमें 1 चम्मच पिस्ता कतरन डालेंगे, 2 चम्मच बादाम कतरन, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबल स्पून घी। बाद में घी डालने से हलवे में अच्छी शाइनिंग आती है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट तक इन्हें और सेकना है। आपको लग रहा है देखने में कि एप्पल से हलवा बनाया है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना, आपको बेहद पसंद आएगा। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे।
हलवा बनकर रेडी है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ऊपर से कटे हुए मेवे डालकर सर्व करेंगे। बताइए फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी, एप्पल हलवा कैसा लगा, आप भी इसे बनाना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।